नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों। गोमिया प्रखंड के साडम संतोषी मंदिर फुटबॉल मैदान में साडम पूर्वी साडम पश्चिमी पंचायत के ग्रामीणों के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष सुनीता देवी, जिप सदस्य आकाश लाल, विधायक चांदनी देवी, रामकिशन रविदास आदि ने संयुक्त रूप से ऑन द स्पॉट समाधान किए। योग्य लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। कोविड-19 टीकाकरण, कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा आदि के 20 स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर जिप सदस्य आकाश लाल सिंह ने कहा, पंचायत के लोगों का सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कई तरह की योजना चला रही है। पंचायत का विकास सभी के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। योजना का लाभ नहीं मिलने पर एक महिला लाभुक ने तो अपना सारा गुस्सा पंचायत के प्रतिनिधियों पर ही निकाल दिया। उसने कहा, मैं काफ़ी गरीब हूं, हम लोग 5 बाल बच्चे हैं, रहने को घर नहीं, प्रतिनिधियों के पास जाते हैं, पैसे की मांग करते हैं, ऐसे में हम कहां जाएं। कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, दीदी बाड़ी योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, पशुपालन आदि के लिए ग्रामीणों के आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत शराब बेचना छोड़ स्वरोजगार से जुड़ने को इच्छुक कई महिलाओं के बीच 10,000 रुपये का चेक का भैया कि हम लोग को घर ही नहीं है, हम लोग 5 को बाल बच्चा, हम लोग को कुछ घर नहीं है, लेकिन इतना सबको बोलते हैं, कोई नहीं सुनता, बात कोई नहीं, जिसको जाते हैं उसको पैसा मांगता, कहाँ देंगे हम लोग, कौन पैसा मांगता है, कौन पैसा मांगता है। वार्ड ही जाते हैं, एक वार्ड था उसको, अभी इसको जिताया, अभी इतना बोले, बाबू बताइए, कुछ नहीं सुनता, कोई नहीं।